गांव वाले सतर रहते हैं। हाथी विचरण स्थलों में तेंदुपत्ता, महुआ एवं अन्य वनों को तोड़ने के लिए जाने के लिए गांव में लगभग सभी घरों में इस प्रकार इसमें जो जो हाथी के जो चित्र है, ये जो दिए हैं, ये सरगुजा का हाथी है। इसका नाम पैर है। जनहानी बिल्कुल गिन करके जुबानी याद कर लेते हैं और जुबानी याद करने के बाद में उससे ये 100% सफल होगी। इसको देखिए, कारण उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हाथी संकट प्रबंधन दल की सलाह ना मानने पर, माने हमारा जो छोटी सी टीम आती है उसकी सलाह बताती है, उसको नहीं मानेंगे तो जनहानी हो। विचरण करना है वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। हाथियों के विचरण स्थलों के खेत खलियान मचान कच्चे टपरी में ये भी इनके दिमाग में आ गया, इनकी आदत में आ गया कि ये नहीं कर रहा है। हाथियों के समय इसमें एक बैटरी है 12 वोल्ट का और वो जो तेज चक चक चलता है ना, वो बल्ब है। उनकी कीमत बहुत सस्ती होती है, 65 रुपया 70 रुपये में वो वाले एक एक मिल जाते हैं। उसके ऊपर में प्रेशर लगा हुआ है, वो प्रेशर क्या है कि बंद लाइट चालू लाइट ऐसा करता है। तो हाथी जब उधर से आता है तो उसकी रेटिना होता है ना, वो फिक्स नहीं हो पाता, वो इधर छोड़ करके वो पीछे हो जाएगा, दाएं बाएं हो जाएगा। उस साइड भी रखो तो फिर हाथी सीधा का सीधा फिर जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में चलते रहता है। ये बहुत सस्ता सा आइटम है और इस सस्ता के आइटम की पद्धति बड़ी सरल है। गांव वालों को आज सिखा दिया गया है, कुकुराडी वालों को, यहाँ पसाडी वाले भी आए हैं, यहाँ लैंगर वाले भी आए हैं। अब 15 दिन तक के इनको सिखाने का काम चलेगा। बस फटाका जो 25,000-30,000 सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे देखा जाए कि महासमुंद जिले के तकरीबन 52 गांव के ग्रामीण और किसान विगत 4 सालों से हाथी के आतंक से परेशान हैं। उसको लेकर नित्य नए वन विभाग के द्वारा, आप लोग के द्वारा नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि इन ग्रामीणों को निजात मिल सके? हाँ, वर्तमान में इस क्षेत्र में हम ERB एलिफेंट रिपेलेंट बैरिकेड और ERL एलिफेंट रिपेलेंट लाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसका प्रयोग हम सरगुजा में कर चुके हैं। वहाँ पर हमने नियंत्रित किया है हाथियों के जो आतंक बोलते हैं हम लोग, परंतु रिहायशी क्षेत्र में ये लोग हाथी आते हैं वो है, तो यहाँ पर निश्चित ही सफल होगा। परंतु इस पद्धति को पूर्ण रूपण 100% सफल करने के लिए मुझे जन जागरूकता फैलाना पड़ेगा, तो ये 100% सफल होगा। इससे हाथी रिहायशी क्षेत्रों से दूर रहेंगे और वन क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। जैसे देखा जाए, आप लोग के द्वारा ये जगमग लाइट जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो हल्के करंट वाली जो वायर बिछाए जा रहे हैं, तो ये किन इलाकों में बिछाए गए और ये किस प्रकार से वर्क करता है, एक संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, ये इस क्षेत्र में कुकराडी एक गांव है, वहाँ पर बंजर का जंगल है, बहुत ही डिग्रेडेड जंगल है। तो हाथी दिन में बंजर के जंगल में रहते हैं और संध्या काल में ये कुकराडी और जो बौर भोरिंग की तरफ पे बढ़ते हैं। तो भोरिंग जो कुकराडी में हमने 700-800 मीटर की दूरी पर लंबाई में इसको ERB को लगाया है और कुकराडी में ही एक खम्बा तालाब है, गाँव में हाथी न जाए इसीलिए वहाँ पर ERL एलिफेंट रिपेलेंट लाइट्स का प्रयोग किया है और वो अच्छा वर्क कर रहा है। गणमान्य नागरिकों को, यहाँ के जो प्रबुद्ध माने रहवासी हैं, उनको ने जाकर के देखा है उसको। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पद्धति का इस्तेमाल सरगुजा में भी किया गया, तो सरगुजा में कितनी सफलता मिली और क्या उम्मीद किया जाता है कि इस प्रयोग से महासमुंद के लोगों को निजात मिल पाएगी? हाँ, सरगुजा में देखिए वहाँ पर 6 डिवीजन है, एक नेशनल पार्क है, 3 अभयारण्य है, ये करीब 18 लाख हेक्टेयर का एरिया है। इसमें 125 से लेकर के 150 हाथियों का विचरण होता था, यहाँ मात्र 21 हाथियों का विचरण हो रहा है। वो क्षेत्र बहुत लंबा था, उसमें हमने 2 साल वर्क किया है और 2 साल वर्क के बाद भी ये स्थिति मिला दी कि वह जनहानि शून्य
आ गई है, ये सबसे बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ शासन ये चाहता है कि जन हानि शून्य करो, ये पहला लक्ष्य है उसका। दूसरा है फसल हानि के लिए छत्तीसगढ़ शासन सक्षम है। आप एक जो औचित्यपूर्ण जो आकलन है वो छत्तीसगढ़ शासन के पास में देंगे तो निश्चित हम उसकी पूर्ति करेंगे, फसल क्षति की क्षतिपूर्ति देंगे। तो ये माना जाए कि ये जो प्रयोग विधि अपनाई जा रही है, हाँ, इससे निश्चय ही महासमुंद जिले के लोगों को हाथियों के आतंक से निजात मिले। हाँ, प्रयोग विधि में पद्धति के साथ में हम जन जागरूकता फैला रहे हैं। जन जागरूकता में 10 कारण है जिससे कि हाथी किसी की जनहानि करता है, रिहायशी क्षेत्र में आता है, तो ये 10 कारण क्या अमल करेंगे वो, और जन जागरूकता फैलने से निश्चित ही ये पद्धति वर्क करेगी 100%, ये पक्का है।